हेलो एवरीवन, चलो आज बनाते हैं बिहार का फेमस खाजा, जो कि बहुत क्रिस्पी भी बनेगा, बहुत टेस्टी भी बनेगा और बहुत ही यम्मी लगता है। एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसको खाते ही रह जाएंगे, जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप मैदा, लिया है मैंने ये 1.5 कप मैदा ले लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून करीब मैंने लिया इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून ले लेंगे हम घी, देसी घी है ये, और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इससे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो आप इसमें घी ही लें, बाकी ऑयल वगैरह ना डालें। 1/2 टेबल स्पून एक चुटकी भर मैंने नमक लिया था। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया करके इस तरीके से, और इसे अब धीरे धीरे करके अब हम पानी से ही गूंथेंगे। और हार्ड डो बना लेना है इसका अच्छे से इस तरीके से। तो ये गूंथ चुका है आटा हमारा अच्छे से, जो मैदा हमने डो बनाया है, इसको 4 से 5 बार ऐसे तरीके से पटकेंगे ताकि अच्छे से हमारा जो डो है वो सेट हो जाए। और इसको अब हम 2 पोर्शन में कट कर लेंगे, इसी तरीके से हमें कट करना है। अब एक को हम अच्छे से गोल गोल राउंड कर लिया है मैंने, इसे कट कर लेंगे हम छोटी छोटी सी पीसीस में, इस तरीके से हम कट कर लेंगे सारे। और इनकी अब हम बनाएंगे छोटी छोटी सी चपातियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम इतनी छोटी छोटी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। और इधर मैं बना रही हूँ साटा, जो कि हमें उसमें डो जो बनाए हैं हमने चपातियाँ उनमें लगेगा, बस आटा और 1 चम्मच घी देसी। तो बस इसको अब हम धीरे धीरे लगाएंगे चपाती पे। और जो मैंने कट करी थी लोइयाँ, उसमें से 7 बन चुकी हैं मेरी, तो मैं सारी लगाऊंगी धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 करके। फिर से हम साटा लगाएंगे इस पर, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का लगाना है। अब फिर से हम रखेंगे चपाती, फिर से हम एक और दोबारा से लगाएंगे साटा, वापस चपाती रख के इसी तरीके से हम सारी चपातियाँ रख के साटा लगा लेंगे और अच्छे से इसको बेल लेंगे। फिर अब हम इस तरीके से अब इस पर फिर से हम साटा लगाएंगे और हल्का सा हम इस पर आटा छिड़क रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। और इसको हम टाइट करके इसको रोल रोल बना लेंगे अच्छे से, एकदम टाइट करके इस तरीके से बना लेंगे। बस अब हम इनको कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, इस तरीके से हम सारे पीस कट कर लेंगे। तो आपको जिस तरीके से भी इसकी शेप देनी है दे सकते हैं, बाकी मैं इसको थोड़ा सा साइड से दबा दूंगी, अच्छा डिज़ाइन लगेगा थोड़ा सा ये, इसलिए। तो बस मैं ये शेप दे रही हूँ इनकी सब खाजाओं की। तो बहुत सारे बन गए थे, अब इनको अब हम फ्राई करेंगे डीप फ्राई, और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये पक जाए, बिल्कुल क्रिस्पी निकले बहुत अच्छे वाले। तो बस ऐसे ही पलट के हम अलट पलट करके अच्छे से इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। और इनको अब मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। इधर हम चाशनी बनने के लिए रख देंगे। मैंने 1 ग्लास पानी लिया है वाटर, और 1 पूरा बाउल भर के मैंने लिए शुगर चीनी, अच्छे से चाशनी बना ली थी। तो उसमें हम सारे जो हमारे खाजा हैं वो डिप कर देंगे इस तरीके से। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी थी, 1 तार की चाशनी है, ज़्यादा टाइट नहीं है।
बस इनको अब हम निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारी खाजा बनके रेडी है। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी, ज़रूर बताएं आप कमेंट में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। तो ठीक है, बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो देखो कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है हमारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।